चले जा अपना आपकी चाल। जापना ये और मान बीरबल आप जानते हैं कि हमारी रियासत में ये रमपत पाल देवी कौन है? उन्होंने ये गुलाबी रंग की चुनरी, एक तस्वीर और ये चिट्ठी भेजी है हमें। रानी साहब, रमपत पाल जी एक बहुत ही बहादुर औरत है। वो और उनकी साथी औरतें औरतों के खिलाफ होने वाले जुल्म को रोकती है, उसके खिलाफ आवाज उठाती है। अगर उन्हें पता चले कि कोई भी इंसान किसी औरत पर अत्याचार कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो तुरंत अपने साथी औरतों के साथ वहां पहुंच जाती है और फिर उस अत्याचारी को सबक सिखाती है। अरे वाह, हमारी रियासत में एक इतनी बहादुर औरत है और हमें पता ही नहीं। जहां पर ना ऐसी औरत को तो सम्मानित करना चाहिए। हाँ 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 हाँ, करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। बीरबल, आप जरा एक बार वो खत पढ़िए तो सही जो भेजा है उन्होंने। जी जाफर, लाइए। रानी साहिबा प्रणाम, हम रमपत पाल देवी औरतों की आवाज बनकर उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार हम रोकती है। इसी सिलसिले में हमें आज आपकी और आपके ताकत की जरूरत है। हमने आपको एक ऐसे इंसान का चित्र भेजा है जो इंसान नहीं हैवान है, दरिंदा है। ये भरे बाजार औरतों को छेड़ता है। अभी कुछ दिन पहले हमने इसे पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि हम इसे सबक सिखा पाते, ये हमारे हाथ से निकलकर फरार हो गया। जब तक ये हमारे राज्य में खुला घूमता रहेगा, तब तक हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। हम चाहते हैं कि इससे पकड़ने में आप हमारी मदद करें। इस पत्र के साथ हम गुलाबी चुनरी भी भेज रहे हैं। ये चुनरी पहचान है हमारी और हम चाहते हैं कि आप भी इस चुनरी को पहनकर हमारे साथ खड़ी हो जाएं। जय माँ दुर्गा। अब हमें लगा कि यही हमारा बेगम है, इसके लिए ऐसा हाथ पकड़ लिए, वरना ऐसा। साथियों, पकड़ लो इसे। देखिए, हम वो है ही नहीं जिसे आप ढूंढ रही हैं। अरे हम तो, अरे नहीं 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 नहीं, हम दुश्मन के निशाने पर हैं, यहाँ अपनी पहचान हमें नहीं बतानी चाहिए। अरे वो देखिए हमारा बेगम, देखिए। जा बना। देखिए, ये आपकी तस्वीर है। दो दिन पहले हम जब बाजार गए थे तो आप इसी भेष में थे। किसी ने बहुत बड़ा आप पर इल्जाम लगाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे कहाँ चले गए थे आप? आपकी वजह से, आपके जाने के बाद एक लड़की का गलती से हमने हाथ क्या पकड़ लिया, सब हमारे ही पीछे पड़ गए। कहाँ थे आप, कहाँ थे, कहाँ गए थे? गुस्ताखी माफ हो जहाँ पना, हम बेध्याने में आगे निकल गए थे। किसी ने हमें औरत समझ कर छेड़ा, हम उसके पीछे भागते रहे, वो भाग गया लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आया। जहाँ पना, इसका मतलब सचमुच में कोई इंसान है जो औरतों को छेड़ रहा है। से क्या होगा बीरबल, कल रमपत पाल देवी यहाँ पर आ जाएंगी, हमें पहचान लेंगे, फिर दूध का दूध, पानी का पानी, कहाँ हम, कहाँ हमारी नानी। छापना, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, रानी साहिबा ने तस्वीर देखी, आपको नहीं पहचान। हमने ये तस्वीर देखी, आपको नहीं पहचान। जब इतने करीबी लोगों ने आपको नहीं पहचाना तो रमपत पाल जी कैसे आपको पहचानेंगे? कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। होशियार, खबरदार, गुलाबी पोशाक पहनने वाली औरतों पर जुल्म करने वालों को धूल चटाने वाली हिम्मत वाली शेर दिल औरत रमपत पाल देवी पधार रही है। चहापना की जय हो। आइए आइए रमपत पाल देवी जी, आइए, हम अपने महल में आपका स्वागत करते हैं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, औरतों के साथ छेड़छाड़, मतलब औरतों के साथ जुल्म करने वाले लोगों को आप छठी का दूध याद दिला देती हैं। जी जहांपना, हम औरतों पर अत्याचार सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हमने ये लट पकड़ लिया है। रमपत पाल देवी, अब आप अकेली नहीं, हम भी आपके साथ। हम भी आपके साथ हैं रमपत जी। शुक्रिया रानी साहिबा और अनारकली जी।
और जिस दरिंदे की तस्वीर आपने हमें भेजी थी उसे ढूंढने के लिए हमने रियासत के सभी सिपाही लगा दिए हैं। वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। रानी साहबा, वैसे हमें लगता है कि जैसा हमने पूरे रियासत में उस इंसान की तस्वीर चिपका दी है, हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों बीरबल? क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? रानी साहबा, ऐसा करने से वो इंसान सतर्क हो जाएगा, फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो भेष बदल के घूमने लगेगा, इसलिए। बीरबल जी, हम रंपत हैं। वो सबको पता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने उस इंसान को नजदीक से देखा है। वो चाहे कितने भी भेष बदल ले, लेकिन वो अगर हमारे सामने आया और हमने दोबारा उसे नजदीक से देखा तो हम उसे जान लेंगे और पकड़ भी लेंगे। अगर वो इंसान नजदीक आ गया तो आप पहचान लेंगी, पकड़ लेंगी। सुना आपने जापना? नजदीक आ गया तो ही। अच्छा, तो ये है वो दरिंदा जो बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर औरतों को छेड़ता है। रुकिए जहां पाना, हम चाहते हैं कि हमें सम्मानित करने से पहले आप उस दरिंदे को हमारी नजरों के सामने सजा दें। देखिए, वो दरिंदा तो कैद खाने में है और उसकी सजा बहुत जल्द मुकर्रर की जाएगी। आप अपना इनाम कबूल कीजिए। नहीं, जब तक आप उस दरिंदे को हमारी नजरों के सामने सजा नहीं देंगे तब तक हम ये भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। जापना, अब ये इतना जिद कर रही है तो दे दीजिए ना सजा उस दरिंदे को। रानी साहिबा, वो कैद खाने में है, अभी कैसे सजा दे दे, वो बाद में होता रहेगा। आप लीजिए, अपना इनाम कबूल कीजिए। अरे बुलाइए उसे यहाँ, दीजिए सजा। बीरबल, बुलाइए ना उसे। भाई साहब, बुलाइए। सब चुप क्यों खड़े हैं? वो इसलिए क्योंकि जिस दरिंदे की हमें तलाश है वो और कोई नहीं, खुद बादशाह अकबर है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। नहीं रानी साहब, जो ये कह रही है वो सच है। क्या? आप भेष बदल कर रियासत में लड़कियां छेड़ने जाते हैं? नहीं रानी साहिबा, हम अपनी रियासत में भेष बदल के तो अपनी प्रजा का हालचाल जानने जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी के चलते हुआ। गलतफहमी? लड़कियां छेड़ने में क्या गलतफहमी हो सकती है? बीरबल, बताइए ना इन्हें। अरे ये क्या बताएंगे, ये भी आपके साथ लड़के छेड़ते होंगे, चचोरे कहीं के। अरे नहीं बीरबल, बताते हैं रानी साहिबा, हुआ यूं था कि वो बलदेव जी, रानी साहिबा, बलदेव जी जापना के साथ बुरखे में गए थे। भाई साहब भी? अरे नहीं नहीं, लड़कियां छेड़ने के लिए नहीं गए थे रानी साहिबा। दरअसल बात यह है कि Thank you.